चिंता थी कि मैं कब मिलूंगा, किस रूप में मिलूंगा और कब मिलूंगा आप लोगों से। मैंने इन बातों पर गौर करते हुए आप तमाम दोस्तों का, आप लोग परिवार के हैं, आपका ख्याल रखते हुए हमने फैसला किया उसी रूप में मिलूंगा जिस रूप में आप हमें देखने के आदी हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि 6 बजे जब बाकी तमाम लोगों से मिल लें उसके बाद मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं पार्टी के कोई नहीं हैं, किसी भी पार्टी के कोई नहीं हैं, मेरी अपनी पार्टी रामायण पार्टी के मेरे अपने बेटे हैं, लव कुश में से लव हैं ये, लव सिन्हा। और कुश सिन्हा जैसा आपको पता है वो मातृ प्रेम में माँ के साथ लखनऊ में हैं इस वक्त और वहाँ उन्होंने साथ दिया है। एक्चुअली आप लोग इतने तादाद में आए इसकी भी बहुत खुशी है, क्योंकि सही मायनों में जश्न तो जीत का होता है, तथाकथित हार का नहीं होता है। लेकिन अभी आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कोई सवाल लूं या सवाल लेने की कोशिश करूं इससे बेहतर होगा, जो मेरे दिल की भावना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। और मेरी भावना ये है कि आज इस जीत की घड़ी में या मेरे तथाकथित हार के वक्त आप जो इकट्ठा हुए हैं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि मैं, हालांकि खेल तमाशे बहुत हुए हैं ऐसा दिखता है, और खेल तमाशों के बावजूद और खासकर कुछ प्रदेशों में, जैसा लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में और कुछ जगह झारखंड और शायद आंध्रा में और कुछ जगह बहुत ज़बरदस्त खेल तमाशे हुए हैं, लेकिन उस पर भी टीका टपनी या उस पर कोई अभी विचार विमर्श या उस पर कोई समीक्षा करने की घड़ी नहीं है। मैं इस वक्त अपने दोस्त और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जो दिखते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, और सबसे ज्यादा इस घड़ी में अपने फैमिली फ्रेंड, अपने दोस्त, बहुत ही संभ्रांत व्यक्तित्व के मालिक जिन्हें मैं बंगाली में भद्रलोक कहता हूं, ऐसे हमारे अपनी रविशंकर जी की जो आज जीत हुई है या जो जीत दिख रही है, चाहे जीत के जिस रास्ते पर चले हैं और उनको लोगों ने चलाया है, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत 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 इन लोगों को बधाई देता हूं। अभी इस वक्त ज्यादा इफ्स एंड बट्स की घड़ी नहीं है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पटना जो अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है, अब वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में बहुत कुछ किया है, कोशिश करेंगे कि बिहार को खासकर पूंजी निवेश की बहुत ज़रूरत है और इस चक्कर में या इस टक्कर में वो अगर अच्छा होगा, बिहार में पूंजी निवेश हो, बड़े बड़े आईटी जायंट्स आएं और लोग भी आएं, उनके सोर्सेस से या बाकी लोगों के रिसोर्सेज से यहाँ आएंगे तो बड़ा अच्छा लगा बिहार के लिए। जो हमारी इच्छा थी कि जब हम अगर आए यहाँ पे सामने इस बार, वैसे हम जहाँ भी रहेंगे हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन अगर हम आएंगे तो हमने सोचा था कि एजुकेशन सिस्टम जो करीब करीब ध्वस्त और पस्त हो चुका है, जैसा आप लोगों ने देखा सुना और रवीश कुमार हमारे जो हैं उन्होंने बहुत बार बताया है बहुत अच्छे तरीके से, अभी हमारी कोशिश रहती कि एजुकेशन सिस्टम पर हम ज़्यादा काम करें, नौजवानों के रोज़गार पे, उनके इम्तहान पे, उनके इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशंस पे, ताकि समय पे इम्तहान हो, ढंग से भर्ती हो, समय पे रिजल्ट निकले और उसके बाद उनका भविष्य उज्जवल हो, रोज़गार के ज़रिए चाहे उनके जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आगे उसके ज़रिए इसको चुस्त और दुरुस्त करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ भाई रविशंकर जी जरूर करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जैसा आपने हमारे दरमियान हमारे दौरान देखा, आपने जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो हमने कोशिश की थी और कामयाब भी हुआ था, हमारे भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पिता तुल्य, उनके आशीर्वाद से हमने यहाँ पे एम्स और 6 जगह एम्स की उस वक्त बात हुई थी, पटना भी एम्स, उसमें कुछ हमारी कोशिश हमारा योगदान भी रहा। उसी तरह शिपिंग मिनिस्टर था तो ड्रेजिंग जो पटना में हुई छठी परिवारों के लिए, या फिर यहाँ पे गायघाट पे जो इंडियन वाटर वेज में
कलकत्ता से हल्दिया, हल्दिया से पटना, पटना से वाराणसी, वाराणसी इलाहाबाद, जो इनलैंड वाटर से ट्रेड शुरू हुआ, जो उसके बारे में हमारे दोस्त नितिन गडकरी जी भी और काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ कहते हैं। चाहे जब शिपिंग मिनिस्टर था तो सागरमाला प्रोजेक्ट देश को जोड़ने की और पोर्ट्स को चमकाने की, यानी कि जितने पोर्ट्स हैं वो डीपर ड्राफ्ट के लिए, वाइडर बर्थ्स के लिए, टॉलर क्रेन्स के लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट के लिए कोशिश की थी, उसमें ये बहुत हद तक कामयाब हुआ। उसका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त को उसकी घोषणा भी की थी, उस पर नितिन गडकरी जी बहुत काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उस दिशा में भी रविशंकर जी हमारे मित्र, हमारे फैमिली फ्रेंड इस पर काम करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। पटना उस वक्त जो पटना शाइन करने या शाइन करवाने की हमने कोशिश की, स्मार्ट सिटी में श्रेणी में डालने की कोशिश की, पटना के लोग बहुत ही स्मार्ट हैं। मैं समझता हूँ अगर वो करवाएंगे तो स्मार्ट सिटी बनकर या स्मार्टेस्ट सिटी बनकर पटना उभरे, ये मेरा संदेश ही नहीं बल्कि हमारी कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना भी है। आज की इस घड़ी में मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ, मोदी जी को, अमित शाह जी को, और साथ ही साथ हमारे दोस्त रविशंकर जी को, और मैं अपने कांग्रेस परिवार को और खासकर कांग्रेस के नेतृत्व राहुल गांधी जी को, और यहाँ पे जितने हमारे बिहार प्रदेश के हैं, ये MM झा जी हैं और हमारे राजन जी हैं कि हमारे वो प्रेम शंकर जी हैं, जितने लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया, और साथ ही साथ आप तमाम लोगों को जिन्होंने एटलीस्ट हमारे साथ पटना की शालीनता देखते हुए, पटना शायद पूरे देश में अकेला चुनाव क्षेत्र रहा जहाँ की शालीनता, भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन पूरे देश के लोगों ने देखा और सराहा। हम भी उसके कायल हुए, आप भी कायल हुए, जनता जनार्दन भी कायल हुई, तो मैं इसका भी बहुत कदर करते हुए यहाँ की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार देता हूँ, करता हूँ, प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतना साथ दिया, सहयोग दिया। उसके बाद भी अगर कोई बात हुई तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, और वो भी हमारे भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ हैं कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं हर हाल में अपने लोगों के साथ हूं, साथ था और आगे भी साथ रहूंगा।